चाइल्ड वेलफेयर में काम करते हैं। आइए ओली जी, आपका स्वागत है हमारे विद्यालय में। हमारी संस्था का नाम घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी है और आज उसकी तरफ से मैं अजय और चेतना मैम हमारे साथ में हैं। तो बेसिकली जो हमारा मोटिव है वो यही है कि बच्चे जो हैं उनका डेवलपमेंट वेलफेयर हो और अच्छे लेवल पे वो लोग आगे बढ़े। तो इसी के लिए आज हम लोग GIC वितरण में आए हैं और यहाँ की जो सुंदरता है वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे भी मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे होंगे, अब हम मिलने वाले हैं। जी। तो हम लोग उनसे थोड़ा बात करेंगे उनके करियर के बारे में, थोड़ा मोटिवेशनल काउंसलिंग, थोड़ा सा मैम क्योंकि लीगल एडवाइज़र हैं तो थोड़ा सा पॉक्सो और महिला सेफ्टी पे हम लोग बात करेंगे और इसके अलावा थोड़ी बहुत और चीज़ें होती रहेंगी। कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह बच्चों के लेंगे ताकि उनको आगे आने वाले भविष्य में थोड़ा सा मदद मिल सके। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हमारे अजय ओली जी और चेतना भट्ट मैडम आई हैं। ये आपको बच्चों से रिलेटेड जो नवाचार होते हैं या बच्चों से रिलेटेड जो अधिकार होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से विस्तार में बताएंगे। आपका स्वागत है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में छोटा सा सेशन हमारे लिए अरेंज किया और जितने भी यहाँ पे रिस्पेक्टेड टीचर्स बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर और जितने बेहतरीन बच्चे यहाँ बैठे हैं आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत गजब हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो मैं फील कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आज से पहले यहाँ पे लोग आए तो उन्होंने आपको क्या बताया, लेकिन जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत सिंपल सा लाइक सेइंग है, बहुत सिंपल सी एक चीज़ है। आत्मा में ही परमात्मा है, तो आत्मा कहाँ है? हमारे अंदर। तो परमात्मा कहाँ है? हमारे अंदर। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। अगर मैं ब्रह्मा हूँ तो मैं भगवान हूँ और मैं भगवान हूँ तो क्या मैं कभी गलत डिसीजन ले सकता हूँ? नहीं। मैं कभी हार सकता हूँ? नहीं। मुझे कोई हरा सकता है? नहीं। तो जिस दिन हम ये रियलाइज कर लें कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान हैं, हम सब अच्छा कर सकते हैं, तो आप समझ लीजिए आप कभी नहीं हारते। जिस दिन मैंने ये डिसीजन लिया उस डिसीजन ने मेरा पूरा लाइफ बदल दिया। मैं कभी नहीं हारा और अगर कभी हारा भी तो मुझे लगा कि मैं सीखने के लिए एक स्टेप और आगे लेने वाला हूँ। मेरी आप सबसे भी यही गुजारिश है लाइफ में कि अपने डिसीजन लेना सीखो, सपने देखना सीखो। जिस दिन आपने ये कर लिया आप समझ लीजिए कि आपने लाइफ को जीत लिया। उसके बाद आपको कोई नहीं हरा सकता और अपना हैप्पीनेस या अपना सैडनेस या अपना सक्सेस का जो चाबी है वो दूसरों के हाथ में मत दो। हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ पर अगर आप हुड़दंग कर दोगे ना आपको बुरा करार दे दिया जाएगा, अगर आप कुछ गलत कर दोगे तो आपको खत्म सिंह का नाम दे दिया जाएगा, अगर आप कुछ बहुत अच्छा करोगे बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको इंटेलिजेंट बोल दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। आप जितने भी लोग बैठे हो, आप जितने भी लोग हैं, आप सब अद्भुत हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब ब्रिलियंट हैं। आई डोंट नो कि आपने इससे पहले आप किसने बात बताई है या नहीं बताई है, लेकिन तुमसे अच्छा कोई नहीं। संस्था है वो घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी उसका नाम है और हम लोग बेसिकली बच्चों के लिए काम करते हैं। तो अगर बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि वो काम कर नहीं पाते, घर का उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता या आगे पढ़ाई के लिए रुपए का है, कोई भी परेशानी होता है। तो अगर यहाँ पे किसी बच्चे को या आपके आसपास में किसी ऐसे बच्चे को कोई भी परेशानी होगा तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप मुझे, मैम को, हम सबको अपना परिवार जैसा समझ सकते हैं और अपनी कोई भी परेशानी हमसे शेयर कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन योर करियर, फ्यूचर या कोई भी डिसीजन हम लोग जो अपनी तरफ से कर पाएंगे, हम लोग जो भी कर पाएंगे हम जरूर आपके लिए करेंगे। गर्ल्स के लिए भी, अगर आप फ्यूचर फर्दर स्टडीज के लिए अपना कोई भी प्रोग्राम चाहते हो लेकिन आपको लगता है कि नहीं पढ़ाया जा सकता, घर वाले नहीं सपोर्ट करेंगे, तो भी आप डायरेक्टली मैम से बात कर सकते हो या मुझसे बात कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट या खर्चा आएगा, आपकी पढ़ाई पे रहना खाना, जो भी हम कर पाएंगे जरूर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए, इतने पेशेंस से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस किसने सुना है शब्द पॉक्सो? किसी ने भी सुना? वेरी गुड, वेरी नाइस, मजा करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज को सुनेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है, और कोशिश करेंगे कि आगे इन चीजों को अप्लाई भी करें यहाँ आपके काम आ पाए। ठीक है, चलो ठीक है। गुड आफ्टरनून। जोर से बोलो गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे 10th, 11th
11th, 12th. ओके, तो साइंस और आर्ट्स दोनों है यहाँ पे? ठीक है, तो कोई मुझे ये बताएगा कि हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो किसी को पता है कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास? छह. तो कौन कौन से हैं? और एक लास्ट होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार. तो क्या होता है, हमारा एक संविधान है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें ये राइट्स दिए गए हैं. हमारे संविधान में आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद, पता है ना सबको, अनुच्छेद होते हैं. अनुच्छेद आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपकी बुक होती है, बुक में चैप्टर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे संविधान में कुछ रूल्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, जिनको छोटे छोटे पार्ट्स भी हमारे पास होते हैं. तो एक हमारा अधिकार होता है राइट टू लिव, जो आर्टिकल 21 है हमारा, जीवन जीने का अधिकार. सुना है किसी ने? नहीं सुना, कोई बात नहीं. लाइफ में तो कहीं पे ऐसा सिचुएशन में अगर अटक जाओ और समझ ना आए कि किससे हेल्प लें, क्या लें, कहाँ से लें, तो आप लोग मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मेरा फील्ड ही यही है. अभी लीगल सेक्टर में मैंने आगे को अपना काम करना है, तो आप लोग कहीं पे भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक होकर, खासकर लड़कियां तो अपनी बड़ी बहन जैसा समझिए, लड़के भी अपने बड़ी बहन जैसा समझिए और हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, ठीक है. मैक्सिमम बच्चा आगे में जाना चाहता है, तो अगर ऐसे भी कोई चीजें होंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा आपके पास भेजूं शेड्यूल कि आप क्या क्या कर सकते हो. आने वाले टाइम पे इससे अगले 5 साल के बाद हम आज का सोच के कभी भी पढ़ाई नहीं करते, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हैं, बट कभी भी जब हम कोई चीज प्लान करते हैं तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ होना चाहिए कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद समाज में क्या आ रहा होगा. सोशल वर्क और फिर MSW मास्टर्स इन सोशल वर्क, ये सेक्टर भी ऐसा है जिसमें आपका बहुत स्कोप है. अगर आप BSW या MSW करते हैं, खाली BSW भी अगर आप कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 15,000 to 20,000 की स्टार्टिंग जॉब मिल जाती है किसी भी NGO में. इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का चांसेस भी बढ़ जाते हैं. सोशियोलॉजी और सोशल वेलफेयर दोनों डिपार्टमेंट की नियरली 70 से 75% जो भी सरकारी नौकरियां आती हैं उसमें एलिजिबिलिटी यही मांगी जाती है, भले वो चाइल्ड वेलफेयर में हो. बच्चों को बहुत अच्छी तरह से मौसम के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में बताया. मैं ये बताना चाह रही इससे बोलूँगा कि लोग अपने मम्मी से पूछना, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था विद्यालय या विद्यालय के अंदर बाहर, तो अभी कुछ इस तरह से कुछ हो जाता है तो छोटे बच्चे यहाँ पर कहेंगे ये बड़े बच्चे मेरे से ही कर पाएंगे डायरेक्ट. मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कभी भी आप हमेशा अपने बच्चे से, अब मैंने बच्चे कहा वहाँ पर, कभी उसको ऐसा लगता है कहीं पर मेरे पास मैं अनकम्फर्टेबल हूँ या मैं उसको सही तरह से महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, वो तुरंत आकर उससे ये पूछते रहिए. मैंने उनसे प्रार्थना की थी आपके गार्जियनों से कि अपने बच्चों से ऐसा ज़रूर पूछें कि विद्यालय या विद्यालय के बाहर कभी आपको ऐसा लगता है तो उसकी सूचना तुरंत दें करके. ये देखिए गाइज, ये पत्ते के आकार की बटरफ्लाई ये दुर्लभ है, ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है. ये ऐसी ऐसी बटरफ्लाई आपने कहीं देखी भी नहीं होगी. हमारे बच्चे कह रहे हैं कि ये ड्राइंग जैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है बल्कि ये कोई ड्राइंग ला के रख दी हुई है यहाँ पर. ये देखिए फूलों का रस पीती हुई ये तितली बड़ी सुंदर लग रही है. गाइस देखिए आज ये बिल्कुल बेहतरीन मौसम हो रखा है, बारिश काफी हो रही है और इस कारण से तितली का आशियाना शायद आज समाप्त हो गया है, इसलिए यहाँ पर पे आके बैठ गई. बायो वाले बता रहे थे ये विलुप्त होती प्रजाति की, ये बहुत कम आजकल देखने में आती है, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस मौसम में हम इस तितली को देख पाए. और ये कुईतड़ में हम अभी हैं, राजकीय इंटर कॉलेज कुईतड़ में, तो मुझे लगता है कि इस इलाके में जैव विविधता अभी तक बची हुई है और ये एक दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण शायद जहाँ आदमी नहीं पहुँच पाता है
संसाधनों का दोहन ज्यादा नहीं करता, वहाँ ये चीजें बची हुई है। आज हमें एक दुर्लभ तितली देखने को मिली, तो मुझे लगता है यहाँ के जंगलों में कई ऐसे जानवर होंगे जो विलुप्त हो रहे हैं और यहाँ पे होंगे, उन्हें संरक्षित करने की, लोगों को जागरूक करने की कुछ आवश्यकता होगी, और यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उनकी मदद इस काम में ली जा सकती है।